काजल और सन्ना के तमाम खातिनों हजरात को मोहब्बत और खलूस भरा सलाम। अल्लाह चाहता है कि तुम उससे मांगो। जब अल्लाह सुभान व तआला तुम्हें अपने दर पे ला खड़ा करता है तो उससे पहले ही अता करने की सारी तरकीबें सुलझा चुका होता है। वो तुम्हें देना चाहता है, तभी तो दुआ के लिए हाथ उठवा देता है। अगर ना देना हो तो वो ये सब तुम्हारे जहन से निकाल भी तो सकता है। जब वो कोई चीज तुम्हारे दिल में डालता है तो नसीब में भी लिखने को राजी होता है, वरना वो बगैर ताबीर के ख्वाब थोड़ी दिखाता है। अगली सांस के लिए भी है इंसान अल्लाह सुभान व तआला का मोहताज, और कुछ मांगने के लिए उसके सामने बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। जब सब कुछ छिन भी जाए तब भी वो तुम्हारे हाथों में दुआ का इख्तियार थामे रखता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम एक ही तड़पती हुई दुआ से सब कुछ वापस ला भी सकते हो। अल्लाह सुभान व तआला यकीन रखने वालों का यकीन नहीं तोड़ता, वो सबर करने वालों के लिए ही मौजज़े संभाल कर रखता है। अल्लाह सुभान व तआला को मालूम है कि तुम अब थक चुके हो। अल्लाह सुभान व तआला को इल्म है कि अब तुम्हें मायूस नहीं करना है। अगर अल्लाह सुभान व तआला ने तुम्हारी दुआओं को कबूल ना करना होता तो कभी तुम्हें दुआओं के सहारे नहीं छोड़ता। वो तुम्हारे उठते हुए हाथों को खाली नहीं मोड़ेगा। यकीन रखो उसने इंतजार करने वालों के लिए ही संभाल रखे हैं मौजज़े सारे। अल्लाह सुभान व तआला को मालूम है कि तुम शिद्दत से करते हो अल्लाह सुभान व तआला के जवाब का इंतजार। अल्लाह सुभान व तआला को मालूम है कि तुम्हारे दिल को ठंडक तभी मिलेगी जब बात खत्म होगी अल्लाह सुभान व तआला के कुन पर सारी।